हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेसो ज्वेलरी हॉल। मैंने मेसो से काफ़ी सारे ज्वेलरी मंगाए थे क्योंकि आजकल वेडिंग का सीज़न चल रहा है, तो मैंने रिसेंटली एक वेडिंग अटेंड किया था जिसके लिए मैंने काफ़ी सारे ज्वेलरी मंगवाए। तो आपको भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मुझे पता है कि कौन सा ज्वेलरी पहनूँ, कौन सा नहीं पहनूँ, कैसा चॉइस करूँ वगैरह। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने कुछ ज्वेलरीज मंगाई थी जिसमें से काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सी है जो अंडर 500 हैं। तो गाइस चलते अपनी फर्स्ट ज्वेलरी की ओर, जो कि सुपर सेट। ये मुझे पैकेट में रिसीव हुआ था एंड ये रेड कलर में है, रेड बीट में काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। ये फ्लावर सेट में कुंदन लगे हुए हैं काफ़ी सारे, देखिए आप लोग, और बीच में एक स्टोन है रेड कलर का, और नीचे एक सिंगल पर्ल है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बनाता है सिंपल में। और ये काफ़ी लाइट वेटेड है, इसे आप किसी भी साड़ी लहंगे या सूट में वेयर कर सकते हो, किसी भी वेडिंग फंक्शन में वेयर कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इजीली आप पहन सकते हो किसी भी कलर में, लाइक ग्रीन, ब्लैक, येलो। मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, देखिए कैसा लग रहा है गाइस। मुझे इसके साथ सिर्फ इयररिंग्स एंड सेट रिसीव हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये अराउंड 170 के अराउंड है एंड इसे आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में आराम से पहन सकते हैं, चाहे वो आपकी वेडिंग फंक्शन हो या आपके रिलेशन में किसी के हो तो आप पहन सकते हो। सो गाइस, ये है मेरा नेक्स्ट ज्वेलरी जो कि मैंने हल्दी पर्पज से मंगवाया था एंड ये मुझे बॉक्स में रिसीव हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है, इसके कारण मेरा सेट डैमेज नहीं हुआ है। एंड इसे आप देख लो, मैं इसे खोल के आप दिखाती हूँ। ये है हमारा नेकलेस जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें हमें पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन में ये नेकलेस मिला है एंड इसमें लेयरिंग वाइज पर्ल्स लगे हुए हैं जो कि दो लेयर्स के हैं एंड 5 लाइन्स मिले हैं मुझे इसे। एंड इसमें पर्ल्स साइड साइड में भी लगे हुए हैं, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, देख लीजिए। इसे मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, चाहे आप ब्राइड हो या आप किसी की वेडिंग अटेंड कर रहे हो जिसमें हल्दी फंक्शन है, इसमें आप इसे पहन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कहीं भी आप इसे वेयर कर सकते हो हल्दी फंक्शन में। एंड इसके साथ मुझे रिसीव हुई है गाइस सेम पैटर्न में इयररिंग्स है, ये देखिए गाइस, ये इसकी इयररिंग्स हैं, इसमें भी पर्ल्स लगे हुए हैं 4 लाइंस एंड 2 लेयर्स वाइज। नेक्स्ट है, इसके साथ मुझे रिसीव हुई है घंटी का जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है एंड ये देखिए। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है बाजू बंद जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, देख लीजिए, लाइक राखी बट ये बाजू बंद है जो कि आप लोग वेयर कर सकते हैं अपने बाजू में। बताती हूँ इसके बारे में कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वालिटी में आया है और ये काफ़ी ज़्यादा सही है, ये टूटेगा नहीं एंड ये अराउंड 330 या 350 के अराउंड आया है। देन इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाइस, आप लोग इसे पहन के देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो गाइस, ये मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी जो कि मुझे कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुई है एंड इसमें आई है मुझे मल्टी कलर ज्वेलरी जो कि मिरर वर्क के साथ है, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये है मेरी मल्टी कलर ज्वेलरी जो कि मिरर वर्क में है एंड इसमें काफ़ी सारे मल्टी कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं एंड इसमें से जो मुझे रिसीव हुए थे तो ये वाला मिरर गिरा हुआ था, तो मैंने इसे वापस स्टिक कर लिया एंड इसमें काफ़ी सारे स्टोन भी हैं मल्टी कलर वाइज एंड इसके जो लेंथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है एंड ये आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो इजली। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसे रिटर्न कर दूँगी बट मैंने फिर
नहीं रिटर्न किया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मैं किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकती हूँ, कहीं भी किसी भी वेडिंग फंक्शन में भी यूज़ हो सकता है। एंड इसके साथ मुझे रिसीव हुई है, इयर रिंग्स सेम पैटर्न मीटर वाइज एंड पर्ल्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे इयर रिंग्स में भी। एंड इसके साथ मुझे एक और चीज़ रिसीव हुई है, वो है मंकी का, सेम वर्क में देख लीजिए आप लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड मैं इसे लगा के दिखा रही हूँ आपको, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सही लुक दे रहा है। सो गाइस, इसे आप किसी भी ड्रेस के साथ इजीली वेयर कर सकते हो। लाइक मैंने आज येलो पहना है तो ये येलो पे भी सूट कर रहा है, आप ग्रीन में भी पहन सकते हो, रेड में भी पहन सकते हो, ये है उसी के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है फिर भी सही है। तो बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ज्वेलरी की ओर। सो गाइस, ये मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट से बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। एंड आप लोग गेस कीजिए कि इसमें क्या होगा, एंड मैं आपको ओपन करके दिखाई देती हूँ कि इसमें है क्या। एंड मैंने खोला एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे नोज पिन है, आप लोग देख सकते हैं, सिल्वर कलर में है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। एंड ये काफ़ी सारे हैं, मैं इसकी पिक लगा दूंगी साइड में, आप लोग वहाँ देख लेना। एंड मैंने इसे रिसेंटली वेयर किया था, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी। सो गाइस, ये है लोटस बना हुआ है इसमें, एंड इसमें मोर बना हुआ है, हर नोज पिन में अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं, सारे के सारे सिल्वर कलर में है। एंड इसे आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, और ये ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ड्रेस के साथ आप वेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपके ऊपर। एंड इसे आप, ये मैंने मंगवाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है ये, मैं आपको अभी इसे वेयर करके दिखा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, और ये मुझे टेन नोज पिन मुझे रिसीव हुए हैं। गाइस, ये मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी है जो कि मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुई है, एंड इसकी बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, ये मुझे टूटी फूटी रिसीव हुई है, डैमेज है। एंड देख लीजिए आप लोग, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ, ये मेरा पर्ल्स सेट है। एंड ये इसलिए मेरी बच गई क्योंकि ये बबल्स रैप की हुई है, देख सकते हैं, इसमें मुझे मात्र दो आइटम रिसीव हुए हैं, नेकलेस एंड ईयरिंग्स, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, वाइट कलर में है, इसकी 5 ईयरिंग्स है एंड इसमें पर्ल्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं, बीच में कुंदन वर्क है एंड ईयरिंग्स भी सेम पैटर्न में है। एंड इसमें काफ़ी सारे स्टोन लगे हुए हैं बीच में जिसे ये खूबसूरत बनाते हैं, ये आप गोल्डन या रेड साड़ी में वेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड खूबसूरत लगेगा गाइस, और ये वेडिंग फंक्शन में आप पहन सकते हो, अभी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो गाइस, ये मेरा नेक्स्ट ज्वेलरी जो कि मुझे कार्डबोर्ड के बॉक्स में रिसीव हुई है, एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ज्वेलरी है जो कि ग्रीन कलर में है, एंड ये बबल्स रैप में आई है ताकि ये टूटे टूटे ना। ये देखिए गाइस, मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ, ये कुंदन सेट है, ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है, ग्रीन पर्ल्स लगे हुए हैं, एंड ये मेरी मोस्ट फेवरेट ज्वेलरी है जो कि ना ही ज़्यादा ही हैवी वेटेड है, ना ही ज़्यादा लो वेटेड है, सही है इसकी, ये अंडर 200 है। एंड ये आप मेहंदी फंक्शन में पहनोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा आपके ऊपर, मैं इसे वेयर करके दिखा रही हूँ, ये आप किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हो, लाइक ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक, कोई भी कलर के ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैंने अभी येलो पहना है, ये देख लीजिए ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड गाइस, ये लहंगे या साड़ी किसी भी ड्रेस के साथ आप पहनोगे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ये इसके साथ मुझे रिसीव हुए हैं 2 ईयरिंग्स जो कि छोटे छोटे ईयरिंग्स है ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ,
मैच करता हुआ, इसे आप देख लो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं किसी भी ज्वेलरी को रिकमेंड करूँ या ना करूँ, बट इसे ज़रूर करूँगी। और मुझे पता है इसे आप एक बार लोगे तो इसे रिग्रेट नहीं करोगे। काफ़ी ज़्यादा प्यारा ही है। एंड गाइस इसे आप एक बार पहन के देखो, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे एक बार पहन के देखो और एक बार इसे सामने से देख लो गाइस। सो गाइस ये मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी है जो कि काफ़ी क्यूट से बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। ये नोज पिन है, जो जिन्होंने अपनी नोज पियर्सिंग नहीं करवाई है उनके लिए है। इसे आप इजली वेयर कर सकते हो किसी भी वेडिंग फंक्शन में, अगर आप हाई वेटेड नोज पिन नहीं अप्लाई कर सकते हो तो कैरी कर सकते हो। तो ये मैंने अपने ऊपर वेयर करके दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपको। इसमें बीच में कुंदन का डिजाइन किया हुआ है एंड साथ ही साथ पर्ल्स है। इसे आप देख रही हूँ, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये वाइट विथ रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ है। बीच में यहाँ पे रेड कलर का एक स्टोन दिया हुआ है कुंदन वर्क में। एंड इसे आप लहंगे के साथ पहन सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा वेडिंग फंक्शन में। आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाएगा भी, आपको वो हैवी वेटेड का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गिर जाता है बार बार। बट ये आपका आराम से यहाँ पे रहेगा एंड इसे आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो गाइस। गाइस ये ज्वेलरी हॉल की लास्ट ज्वेलरी है जो कि मुझे अंडर 100 में पड़ी थी। कि मैंने इसकी पिक देखी तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोचा 100 में मिल गई है तो क्यों मैं इसे मंगा के देखती हूँ कि आखिर क्या आता है 100 में। तो मैंने मंगाया तो ये काफ़ी ज़्यादा ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मुझे खोलते के साथ ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट मैंने जब इसे खुद पर वेयर किया तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा था गाइस। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड जब मैंने पहना इसे तो मैंने बोला कि नहीं, इसे मैं वापस तो नहीं करूँगी। सस्ता है बट अच्छा है, लो बजट में और क्या ही मिलता है। एंड इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है गाइस ईयरिंग्स हैं दो एंड वन रिंग है। ये है इसके साथ मिली हुई इयररिंग्स सेम स्टोन डिज़ाइन में एंड सेम डिज़ाइन में ये रिंग्स है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए गाइस ये इनकी। एंड इसके साथ मुझे रिसीव हुए है एक ब्रेसलेट जो कि अच्छी लग रही है पहनने पे, बट सामने से पता नहीं चलेगी, आप लोग देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ पता नहीं चलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा लो बजटेड ज्वेलरी है इस हॉल की। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा।